हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ बिल्वी टाइगर रिजर्व में चूका स्पॉट। अरे आवाज़ थोड़ी कम कर दो ब्रो। तो चूका स्पॉट में आए हैं और काफ़ी लेट हो गया, मतलब फिलहाल कुछ ही टाइम बचा है। चलिए आपको घुमाता हूँ मैं चूका स्पॉट और पिलभीत की आन बान शान है चूका स्पॉट। काफ़ी अच्छा है, एंट्री हो रही है फिलहाल। अवैस भाई कुछ नहीं, टाइम नहीं बचा, बस आ गए गार्ड साहब, आ गए भैया, जल्दी चलो यार। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं पिलभीत टाइगर रिजर्व का मेन स्पॉट चूका बीच, और मतलब काफ़ी लेट हो गया है अब तो। और ये हमारे गाइड साहब हैं। आपका नाम क्या है? गौरव सिंह नाम है मेरा जी। और हमारे साथ उवैस भाई हैं इस टाइम। ये जल्दी चलो क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं ना इस टाइम, है नहीं? इस वायरिंग में करंट वरंट तो नहीं आता है कोई? नहीं है। अच्छा चूके देखो, नहीं है, अंदर वाली में आता है ना, चारों तरफ से, चारों तरफ से ये। हाँ वो होता है। तो वैस भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे टाइगर रिजर्व पे आगे, वो चूका स्पॉट पे आगे, चूका बीच में? ठंड लग रही है। अच्छा यार व्यू तो बढ़िया है वैसे, आप चेक करिए व्यू। वैस भाई जल्दी जल्दी से राउंड मार लो यार, फिर घर भी चलना है ना इस वजह से, तो थोड़ा जल्दी जल्दी। तो गाइज यहाँ पे चूका बीच में अगर आप आते हैं तो वैसे सफारी ही होती है, बुक 3500 के आसपास में होती है, उसमें 6 लोग बैठ सकते हैं, 4000 ऐसी है। तो जंगल सफारी भी देती है प्लस चूका बीच उसमें कंबाइंड होता है। और यहाँ पे 3 बोट्स हैं, अट्रैक्शन मेन ट्री हट है एक और ट्री हाउस, और आगे अभी दिखाते हैं। और वाटर हाउस जो है वहाँ पर जो है अभी काम हो रहा है, इस वजह से हम जा नहीं सकते। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा दूँगा, बस थोड़ी सी। और यहाँ मोटर बोट भी चलती है डैम के अंदर, मतलब ये मिनी बीच है, मतलब दूर दूर तक इसका किनारा तो फिलहाल नहीं दिखता है। पहले तो पानी का जो लेवल था ना इसका दूर था, तो पूरा बीच का सीन देता था, अभी तो फिलहाल पास में आ गया है। ये देखिए पेड़ों के पीछे सिर्फ पानी पानी है, कोहरा या कुछ बादल नहीं है, ये सिर्फ पानी पानी है। ये यहाँ तक आ गया, पहले यहाँ पे रेत थी तो पूरा बीच का लुक आता था। और ये गेस्ट हाउस पिछली बार आया तब भी रेत नहीं थी, पिछले बनी थी 3-4 साल पहले जो आया उसने देखा यहाँ पे, तब थी रेत ही रेत। तो गाइस मेरे आगे आप देख रहे हैं ये है ट्री हाउस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ चूका बीच, या दिस वन, दिस इज आल्सो अ मेन अट्रैक्शन ट्री हट। या कम 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 हाँ, तो क्या हुआ पे सब पानी पानी है था। आओ 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 तो ब्रो, आप तो इतना क्यों डर रहे हो? बस बंद है, हम तो ऊपर आ रहे थे व्यू के लिए। तो अभी तो इसमें लॉक लगा है, वैसे ये बुक होती है, इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, आई डोंट नो दी रेट्स, बट हाँ 2000 के आसपास होगी पर रूम की बुकिंग। सिग्नल आते हैं यहाँ पे। तो गाइस जो ये देख रहे हैं ये क्या है, मतलब इसके अंदर वो है ना, कुछ और करने की कोशिश की जा रही है टाइगर। तो गाइस यहाँ पे ये चीज़ें हैं, एक मिनट को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है लेक्यो हॉग हट, पढ़ लो अपने आप, थारू हट, थारू हट, बैम्बू हट, जालपान कच्छ, वन चौकी, ये सब चीज़ें हैं
ठीक है, मतलब सही है चूका बीच, मतलब चिल करने के लिए। ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा है, नेचर के बीचों में मज़ा आ रहा है। क्यों वैसे भाई, मज़ा आ रहा है? अच्छा ना, वो 5 साल पहले कुछ ज़्यादा वो नहीं था, अट्रैक्शन नहीं थी, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करा गया करोड़ों रुपए का। तो अब मतलब अभी हो भी रहा है। अभी वाटर वाली हट में उसको हल्की सी झलक दिखाता हूँ, वो भी रेनोवेशन में चल रही है और आने वाले ज़माने में काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये। और ये मोटर बोट है, यहाँ से आप लोग मोटर बोट भी कर सकते हैं। इसका टिकट मुझे पता नहीं, आप लोग पता कर लीजिए यूपी टूरिज्म साइट पे जाके। गाइस, जो मैं आपको बोट कह रहा था ना, वो वाली वो बोट कह रहा हूँ, हाउस कह रहा था ना, वाटर हाउस, वो ये है इधर वाला। अभी फिलहाल इसमें रेनोवेशन चल रही है, इस वजह से बंद कर रखा है, पर ये है वो वाला हाउस, हट वाली हट, वो भी बुकिंग होती है उसकी। आ जा भाई, आ जा। तो आओ नीचे की तरफ चलते हैं भाई, सही से आना है क्योंकि स्टीप है। या यार व्यू देखो कितना कर रहा है ना गाइस। क्या चल तो रहे हैं और कैसे चलें? जल्दी जल्दी चलो। अरे जल्दी जल्दी क्या, गिरना उड़ना थोड़ी है यार। सही से उफ उफ। तो गाइस यहाँ पे व्यू तो मतलब सही आ रहा है ना। और ये दिस इज दी चूका बीच। या दूर दूर तक आपको इसका किनारा नहीं दिखेगा, जो हमें भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। कोहरे के साथ ही मैच होके बिल्कुल गायब हो चुका है। दिस इज दी मिनी गोवा का काइंड ऑफ। हाँ, 1 मिनट ब्रो, लेट मी टेक। तब यहाँ से चलते हैं, और 5 बजे चूका बंद हो जाता है, इस वजह से जो है जल्दी करना पड़ रही है, और 5 मेरे ख्याल से बच चुके हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये है कैंटीन। और अभी मेरे पास टाइम नहीं, वरना यहाँ पर रुकते और चलें फिर। चलो, हो गया सब। रियान भाई क्या क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे शॉपिंग का है, शॉपिंग करनी है कुछ आपको? क्यों ब्रो? ये चीज़ें हैं, टी शर्ट वगैरह है, और ये सब है कपड़े सुखाने का। कहाँ है? अच्छा, ये तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पिलबी टाइगर रिजर्व चूका स्पॉट से, और अब हम घर की तरफ जाएंगे। बाकी आप व्लॉग में अभी जुड़े रहिए टिल दी एंड, मज़ा आएगा आपको। और टाइगर, आप अगर पिलबीत में आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। चूका बीच वैसे तो ओवर हाइप्ड है, जिन लोगों ने घूमा उनके लिए ओवर हाइप्ड है, पर अगर पहली बार आप आएंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। यहाँ पे 3 हट्स हैं, एक वाटर में है, एक ट्री हट है, एक ज़मीन पे है, सबकी बुकिंग होती है, आप रह सकते हैं आगे। कैंटीन वगैरह है, फुल्ली एसी, हाँ फुल्ली एसी, और मोटर बोट है, और जंगल सफारी होती है, मतलब काफ़ी सही सीन है। आप आ सकते हैं यहाँ पे और इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो गाइस एक चीज़ और, यहाँ का टोटल मैं आपको एक्सपेंडिचर बता दूँ जंगल सफारी का, अराउंड 4000 या 3500 के आसपास पड़ेगा 6 लोगों का, उसमें चूका स्पॉट कम्बाइंड है। प्राइवेट कार से आने की मतलब कभी कभार ही परमिशन देते हैं, वैसे देते नहीं। और यहाँ पे मोटर बोट भी वगैरह, उनका अलग कॉस्ट जाती है, और रहने की अलग कॉस्ट है बुकिंग की। और वैसे चूका स्पॉट की जगह पे यहाँ पे और भी चीज़ें, बायफर्केशन है, और सब मैंने अपनी वीडियो में बना रखा है, मेरे चैनल में देखिए, हर तरह की वीडियो दिखेगी आपको। पिलबी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड पूरी प्ले लिस्ट है, उसमें देख सकते हैं आप। चलो चलें फिर, ये पार्किंग है, तो ये पार्किंग है, अब हम चलते हैं यहाँ से। चलो एक जगह, चलो भाई चाबी इसके पास है ना मेरे पास। तो गाइस चूका स्पॉट से तो निकला है, और वो लाल पुल जो देख रहे हैं आप वाला, उसके एंड में वहाँ से चूका स्पॉट का गेट है मेन,
और ये पीछे एक, आओ देखते हैं क्या है। तो ये एक हट है एक प्रकार की, और क्या कहते हैं बंद है यहाँ का। चलो नीचे चलते हैं अब। चलो भाई उवैस भाई चलो यार, व्यू देख लो आप एक मिनट रुको। दिस इज द व्यू, इट्स अ रिवर है। यहाँ एक हाउस होना चाहिए था। अरे है भाई तेरे भाई का वहाँ पे, मेरे गांव की उधर ही, मैं वहाँ बनाऊंगा भाई साहब फार्म हाउस बनाऊंगा इंशाल्लाह। मतलब आगे जगह बड़ी मुहिम दिख रही तब भी लोगों के फोटो खराब कर रहा है तुम यार, ये अच्छी बात होती है वैसे भाई। इतना दूसरों कैसे अच्छा हम नहीं खींचना दूसरों क्या खींचना है, ये भी सही बात है। चलो फिर चलते हैं, का मौसम आज ठंडा नहीं है। अभी हम पीलभीत आ चुके हैं, और पीलभीत में आते ही ट्रैफिक भाई, न्यू ईयर पे आप ये देखिए नेहरू पार्क कितने अच्छे से सजा हुआ है, और काफी भीड़ है ना जी, काफी भीड़ है आज तो पूरे शहर में भीड़ थी मेरे ख्याल से। चलो घर चलते हैं फिर इस व्लॉग का एंड करते हैं, क्या कह रहे हैं आप? बहुत बेहतरीन सजाया। हाँ I love Pilbit लिखा है। चलो चलते हैं अब घर पे फिर आपसे बात करते हैं। तो मैं घर आ गया हूँ और अब टाइम है वीडियो को एंड करने का, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।